सबसे पहले हमें अपने ईमान को, अपने दीन को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये चीज़ आपको तालीम देनी पड़ेगी। एक्चुअल में कुरान क्या है, एक्चुअल में हदीस क्या है, ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ हदीस और कुरान ही बच्चों को पढ़ाओ, बस उसके अलावा और कुछ पढ़ाओ। किसी भी धर्म को समझने से पहले हमें उसके मूल बेसिक सिद्धांत समझ लेने चाहिए। कुरान को समझ के नहीं पढ़ोगे आप, जब तक आप हदीसों को समझ कर नहीं पढ़ोगे, जब तक आप चीज़ों को खुद अपने दिमाग से अपनी तर्क वितर्क की क्षमता का यूज़ नहीं करोगे, तो आपका तब तक आधा अधूरा ज्ञान आपको परेशान ही करेगा और आपको आगे नहीं बढ़ना। इस कुरान पढ़ लेते हो, हर साल आप कुरान पढ़ते हो रोज़े से, अगर हम कुरान में लिखा गया हम अगर उसकी बात करें तो निर्भटा सन्नाटा, आपको खुद को नहीं पता रास्ता कहाँ जा रहा है और आप चले ही जाओ। आबादी भी हमारी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपकी तरक्की क्यों नहीं? जरा से आपके हाथ में दो पैसे आ जाए आप सबको पागल समझने लगते हैं, आप किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं हो। सुबह सोने से लेकर रात को उठने तक हर चीज आपके लिए बनाई, तुम्हें तो अरेबिक आती नहीं, तुमने कुरान कैसे पूरा कर लिया? अगर हम बिना समझे किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसका फायदा है। दूसरों को इस्लाम समझाने की सबसे पहले हमें मुस्लिम्स को ही इस्लाम समझाना चाहिए, उसको खुद को नॉलेज नहीं है तो कैसे किसी और को उस विषय के बारे में बता सकते हो। और कट्टरपंथी तो फिर मैं कहता हूँ मेरी वीडियो देखना ही मत, मुझे तलवार लेकर ढूंढना स्टार्ट कर दें। कोई भी चीज खुदा ने अपने लिए नहीं बनाया, हर चीज आपके लिए बनाई। जब एक आदमी दिन में 15 हाथों को 15 बार धोएगा, मुंह को 15, पैरों को 15 बार धोएगा, तो नूर ही नहीं हो, नूर तो अपने आप आएगा। तो ऐसा नहीं कि बाघ और नहरें और भूरे सिर्फ आपका इंतजार कर रही हैं। तो अपनी इबादत से खुश होता है तो वही खुदा आपके अमालों से भी ना खुश होता है। हर धर्म में आपके अमाल आपके कर्म सबसे ऊपर। भी धर्म अपनी जगह पर बुरा नहीं है, बुरे होते हैं लोग, मुसलमान साफ नहीं रहते, जबकि मुसलमान को सफाई अपना आधा ईमान बताया। खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें सिर्फ इंसान एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको सोचने समझने की शक्ति दी है।